हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली फाइन होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपका लास्ट जो ट्रेडिंग वीक है लॉजिकल एंड प्रॉफिटेबल गया होगा। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट हैं। इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, हमेशा की तरह निफ्टी, बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल निफ्टी के लेवल्स को डिस्कस करेंगे। हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर मंडे को आपको लॉजिकली ट्रेड करना हो तो कैसे करें, कहाँ पे एंट्री करें और कहाँ पे एग्जिट करें। तो हमेशा की तरह हमारी प्रोसेस दो पार्ट में डिवाइडेड रहती है। फर्स्ट पार्ट में हम ग्लोबल मार्केट के मूड देखते हैं, सेकेंड पार्ट में हम लेवल्स की तरफ चलते हैं। तो ग्लोबल मार्केट के मूड से स्टार्ट करते हैं। तो ग्लोबल अगर हम देखें तो जो यूएस की मार्केट है, डाउ 366 पॉइंट नेगेटिव क्लोज हुई है, नैसडेक 47 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुई है। तो आजकल रिजल्ट सीजन चल रहा है पूरे ऑल ओवर, और डाउ के जो कंपोनेंट हैं लाइक जेपी मॉर्गन और बाकी सब, उनमें रिजल्ट के कारण प्रेशर था। तो इस कारण मार्केट जो यूएस की है वो नेगेटिव में बंद हुई है, एटलीस्ट डाउ। नैसडेक पॉजिटिव बंद हुई है अमेज़ॉन के जो रिजल्ट थे या जो भी उसकी फोरकास्टिंग थे उसके कारण। यू अगर हम यूके की मार्केट देखें वो भी आपको सारी की सारी नेगेटिव टेरिटरी में ही नज़र आएंगी। तो जब से इसराइल वॉर स्टार्ट हुई है नो डाउट ग्लोबल मार्केट प्रेशर में है। हमारे में क्या हुआ, निफ्टी 190 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुई है, बैंक निफ्टी 501 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुई है। तो थर्सडे को हमारी एक्सपायरी एंड हुई है और कल मार्केट ने एक सांस ली है, बाउंस बैक किया है। इस पूरी जो फ्राइडे की ट्रेडिंग हुई है उसकी सबसे अच्छी बात यह है कि निफ्टी वीकली क्लोजिंग बेसिस पे 19,000 और बैंक निफ्टी वीकली क्लोजिंग बेसिस पे 42,500 बचा के गई है। तो एक्सपायरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के नीचे हुई, पुल पुट सेलर्स जो हैं सारे ट्रैप हुए हैं और फिर ऊपर आ गई है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बट अच्छी बात यह कि वीकली क्लोजिंग बेसिस पे निफ्टी और बैंक निफ्टी ने अपने जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं उनको सेव किए। अब हमने लास्ट वीडियो दी नहीं थी तो उस कारण फ्राइडे को कैसे एंट्री बनती है वो हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे, तो सीधे मंडे की तैयारी कर लेते हैं। अब जो लेवल्स हम डिस्कस करने वाले हैं स्पॉट के लेवल हैं, फ्यूचर्स के नहीं है। अगर इसमें एंट्री बनती है तो आप फ्यूचर्स में ट्रेड ले सकते हो या ऑप्शंस में ले सकते हो। ऑप्शंस में जस्ट आउट द मनी वाली आप कॉल ले सकते हैं जिसका डेल्टा नियर अबाउट 0.4 हो। अगर आप बिगनर हैं, आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं और आपको 13 EMA में क्या होता है, डेल्टा क्या होता है नहीं पता है, तो ऑलरेडी हम इस पर एक डिटेल और सिंप्लीफाइड वीडियो बना के चैनल पे अपलोड कर चुके हैं, आप उसे ज़रूर देखें। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। सपोर्ट है 870 से 900 का जोन और 19,000। रेसिस्टेंस है 250, 481 से 500 का जोन। ऑप्शन सेलर है 19,400 के ऊपर, पुट सेलर 18,800 के नीचे रह सकते हैं। बायर्स है तो ये लेवल्स रहे जिनका आप यूटिलाइजेशन कल की मार्केट में लॉजिकल ट्रेड के लिए कर सकते हो। बेटर विजुलाइजेशन के लिए मैं एक बार बता देता हूँ, तो हम टेक्निकली स्ट्रॉन्ग क्लोज हुए हैं उसमें कोई डाउट नहीं है, बट ग्लोबल जो फ्रंट है वहाँ से हमें प्रेशर भी आ सकते हैं। तो कोई बड़ा गैप अप तो कुछ भी एक्सपेक्टेड नहीं है। फ्लैट से लेकर हल्की फुल्की पॉजिटिव ओपनिंग हो सकती है, और नेगेटिव हुई तो 19,000 का क्रूशल लेवल होगा, उसके ऊपर खुलती है या नीचे ये देखने वाली बात होगी। तो गैप अप से स्टार्ट कर लेते हैं। गैप अप के केस में हम 19,047 क्लोज हुए। अगर आप लेवल्स देखोगे तो ये हमारे लेवल्स हैं जिनकी हेल्प से हम ट्रेड कर सकते हैं। तो गैप अप के केस में जो हमारा लेवल आएगा 250 तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इतनी बड़ी पॉजिटिव ओपनिंग होने के चांसेस बहुत कम है। तो गैप अप के केस में 19,100 को रख सकते हो। अगर 19,100 के नीचे ऊपर बराबर कहीं भी ओपन हो बट क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन करें, देन हम कॉल बाय करेंगे। कौन सी, जस्ट आउट द मनी वाली। और टारगेट आपका हो जाएगा 125 से 150 का जोन फर्स्ट, और 250 हमारा सेकेंड हो जाएगा। और अगर क्लोजिंग नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, तो हम पुट बाय करेंगे। कौन सी, जस्ट आउट द मनी वाली। टारगेट आपका 19,000 फर्स्ट और 18,900 के आसपास सेकेंड हो जाएगा। तो ये था कि गैप अप के केस को कैसे डील करना है। हमने स्ट्राइक देखी, हमने टारगेट्स देखे, स्टॉप लॉस क्या होगा। स्टॉप लॉस कॉल के केस में इसके 50 पॉइंट्स नीचे हो जाएगा, स्टॉप लॉस पुट के केस में इसके 50 पॉइंट्स ऊपर हो जाएगा। प्रीमियम के टर्म की हम बात करें तो आप 20 पॉइंट्स नीचे लगा सकते हैं कॉल में भी एंड पुट में भी। तो ये था कि गैप अप के केस में हमें कैसे डील करना है निफ्टी को। अब हम चलते हैं अपने सेकंड केस की तरफ जो है फ्लैट का। फ्लैट का मतलब है निफ्टी ओपन हुई है 19,047 पे, क्लोज हुई है यहीं कहीं पे ओपन हो जाती है। अगर ओपन होती है 19,100 ऊपर आ रहा है, 19,000 नीचे आ रहा है, दो लेवल के बीच में ओपन होगी, तो इंतज़ार करना पड़ेगा आपको। अगर 19,000 ब्रेक करके सस्टेन करती है तो पुट बाय है, जस्ट आउट द मनी वाली। 900 तक के टारगेट दिख सकते हैं, और 900 पर आए, बाइंग सिग्नल बनाए तो कॉल बाय है। 19,100 फर्स्ट और
19,150 के अराउंड आपका सेकंड टारगेट हो जाएगा। ऊपर के साइड यहाँ पे 13 EMA आ रहा है, आप इसकी हेल्प से ट्रेड निकाल सकते हैं, क्योंकि जब दो लेवल के बीच में होती है तो या तो इंतज़ार करना पड़ेगा या बीच में हम 13 EMA की हेल्प से एंट्रीज़ को रिफाइन कर सकते हैं। तो ये था फ्लैट का केस। अब हमारा थर्ड केस है, वो है गैप डाउन का। गैप डाउन के केस में जो लेवल आ रहा है 19,000 आ रहा है, इसके नीचे ऊपर बराबर कहीं भी ओपन हो बट क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, तो हम पुट बाय करेंगे, 8,900 आपका टारगेट होगा। क्लोजिंग ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन करे, तो कॉल बाय करेंगे, 19,100 और 150 का जोन आपका सेकंड टारगेट हो जाएगा। तो ये था कि अगर निफ्टी गैप अप खुले, गैप डाउन खुले, फ्लैट खुले मंडे को, तो उसे कैसे लॉजिकली डील करना है। अब हम चलते हैं अपनी सेकेंड इंडेक्स की तरफ, जो है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का सपोर्ट है 42,500 और 42,000, रेसिस्टेंस है 43,000, 43,500 से 43,515 का जोन। ऑप्शन सेलर तो 44 के ऊपर, पुट सेलर 41,500 के नीचे रह सकते हैं। बायर से तो आपके लेवल सही रहे, जिनका आप यूटिलाइजेशन कर सकते हो कल की मार्केट में, मैं एक बार बता देता हूँ। तो अगेन 15 मिनट के चार्ट में चलते हैं। हम टेक्निकली स्ट्रॉन्ग क्लोज हुए हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो गैपअप के सिनेरियो में देख लेते हैं। गैपअप के सिनेरियो में 43,000 का लेवल आ रहा है, इसके नीचे ऊपर बराबर कहीं भी ओपन हो बट क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, तो कॉल बाय आप कर सकते हैं, जस्ट आउट द मनी वाली। 43,100 और 250 का एक जोन है, वो आपके टारगेट हो जाएंगे। क्लोजिंग नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, तो आप पुट बाय कर सकते हैं, 900 और 750 का जोन आ रहा है, वो आपका टारगेट हो जाएगा। ये बात हुई स्ट्राइक की, टारगेट की। स्टॉप लॉस क्या होगा? स्टॉप लॉस कॉल के केस में इसके 100 पॉइंट्स नीचे हो जाएगा, स्टॉप लॉस पुट के केस में इसके 100 पॉइंट्स ऊपर हो जाएगा। प्रीमियम के टर्म की हम बात करें तो 40 पॉइंट्स नीचे लगा सकते हैं। तो ये था गैप अप का केस, कि गैप अप के केस को कैसे हैंडल करना है। अब हम चलते हैं अपने सेकेंड केस की तरफ, जो है फ्लैट का। फ्लैट में निफ्टी क्लोज हुई है 42,780 के आसपास, यहाँ पर जस्ट नीचे 750 का जोन आ रहा है, 700 से 750 का। अगर ओपन होने का इसको ब्रेक करती है, सस्टेन करती है, तो पुट बाय है, जस्ट आउट द मनी वाली। 600 और 500 आपके टारगेट हो जाएंगे। और इसको ब्रेक नहीं करती है, ऊपर ही सस्टेन करती है इसके, तो कॉल बाय है, 900 और 43,000 आपके टारगेट हो जाएंगे। लास्ट है गैप डाउन का। कोई बड़ा गैप डाउन तो बड़े कम चांसेस है, एक हल्के फुल्के गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं, तो वही 750 का ही जोन ले लेते हैं। तो इसके नीचे ऊपर कहीं भी खुले बट क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, तो पुट बाय करेंगे, 600 और 500 हमारे टारगेट होंगे। क्लोजिंग ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन करे, तो कॉल बाय करेंगे, 42,900 एंड 43,000 हमारे टारगेट होंगे। तो ये था कि कल अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी गैप अप खुले, गैप डाउन खुले, फ्लैट खुले, तो उसे कैसे डील करना है। अब हम चलते हैं अपने लास्ट इंडेक्स फाइनेंशियल निफ्टी की तरफ। सपोर्ट है 870 से 919,000, रेसिस्टेंस है 250, 481 से 500। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं या बायर है, दोनों सिनेरियो में कैसे डील करना है आपके स्क्रीन पे रहा। तो ये था कल के मार्केट के रिगार्डिंग हमारा डिस्कशन। अगर आपके लिए डिस्कशन हेल्पफुल साबित हो रहा हो तो लाइक करना ना भूलें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एक एडवाइस रहेगी हमेशा की तरह, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं वो भी अपनी हार्ड एंड मनी से सीख के करें, लॉजिक के साथ करें। लॉजिक के साथ जब आप करोगे तो 100% चांसेस नहीं होंगे, वो तो किसी के नहीं होते, बट मैक्सिमम चांसेस जाएंगे। और सीखते रहें, और जितना ज़्यादा आप सीखोगे उतने ज़्यादा आप बेटर ट्रेडर बन पाओगे, और अपनी एनालिसिस ज़रूर करें। तो एंड करते हैं, थैंक यू वेरी मच, हैप्पी ट्रेडिंग।